डाल के तलू और फटाफट बना के फ्री होके फटाफट से खाओ, बहुत इच्छा हो रही है खाने की। यहाँ पे ये तैयार कर लिए अपने गोल गोल गुलाब जामुन, देखिए बिना दरार के मैंने बहुत अच्छे से इसे बना लिए। ये मैंने यहाँ पे ले लिया गुलाब जामुन का पैकेट, अब मैं इसे फटाफट से खोलती हूँ और अच्छे से मुलायम सा आटा लगाती हूँ, सॉफ्ट सा। हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप लोगों का मेरे बुलबुलडी के व्लॉग्स में। सो आज हो रही है सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश, तो मुझे अचानक से मन करा क्यों ना मैं गुलाब जामुन बनाऊं। सो मैं अभी बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो में शेयर कर दूँ, तो चलो फिर हम लोग हमारे किचन में चलते हैं। उसके बाद मैं वहाँ पर बनाऊँगी गुलाब जामुन और आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे गुलाब जामुन बनाती हूँ मैं। आइए फिर मेरे साथ। तो ये रहा मेरा किचन और ये मैंने गुलाब जामुन का पैकेट बहुत पहले से लेके रखा था। सो आज मेरा मूड कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, तो मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों को गुलाब जामुन बताती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी। तो चलो फिर गाइस, हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें ले लेना है एक गंजी जिसमें हम हमारी चाशनी बनाएंगे। तो मैं ये वाली गंजी ले लेती हूँ, ये अच्छी है, थोड़ी बड़ी सी, तो इसमें अच्छे से चाशनी बन जाएगी। तो गाइस मैं ये अभी पानी डाल रही हूँ इसमें, हमें चाशनी के लिए थोड़ा ज़्यादा पानी रखना पड़ेगा कि हमारी गुलाब जामुन अच्छे से भीग जाए ताकि उसका टेस्ट अच्छा लगे। तो मैंने अभी ये एक लोटा पानी ले लिया है इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा, ये हल्का सा गुनगुना होगा, तो इसमें मैं डाल दूँगी शक्कर ताकि अच्छे से हमारी चाशनी बन के रेडी हो जाए। गाइस ये मैंने ले ली है यहाँ पे ये शक्कर, एक कटोरी शक्कर ले ली है मैंने। आप लोग जितनी चाशनी लो उसके हिसाब से आप लोग डाल सकते हो शक्कर, तो मैंने यहाँ पे ये एक कटोरी शक्कर ले ली है। तो अब मैं इसे पानी में डाल दूँगी और मैं इसे चाशनी अच्छे बनने तक के इसे होने दूँगी अच्छे से, और हम लोग इसी में इलायची डाल देंगे पीस के। तो ये मेरे पास रखी हुई है इलायची, ये मैंने अभी इलायची को अच्छे से कूट लिया है, वैसे ही अच्छे से नहीं कुटाई है। वैसे मुझे गुलाब जामुन बनानी आती नहीं है, बट मेरा मन किया खाने का इसलिए मैं अभी बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पता नहीं कैसी बनेगी। तो ये मैंने डाल दी है इसमें इलायची, अब हम वेट करते तब तक कि हम लोग अच्छे से गुलाब जामुन का आटा गूंथ के रख लेते हैं, जब तक कि चाशनी बनेगी हमारा आटा वो के अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया गुलाब जामुन का पैकेट, अब मैं इसे फटाफट से खोलती हूँ और अच्छे से मुलायम सा आटा लगाती हूँ सॉफ्ट सा। यहाँ मैंने ले ली है ये थाली और ये मैं अब ले रही हूँ इसमें ये जो पैकेट लाया था मैंने गुलाब जामुन का, मैं इसमें डाल लूँगी पूरा अच्छे से। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर दूँगी, इससे थोड़ी हमारी जो गुलाब जामुन है वो फटेगी नहीं और अच्छी गोल गोल बनेगी। तो ये मैंने मैदा ऐड कर दिया इसमें, और हम घी या ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास अभी घी तो है नहीं, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ मुलायम के लिए। अब चलो मैं लगाती हूँ आटा फटाफट से। ये मेरा हो चुका है यहाँ आटा, हमारे गुलाब जामुन का आटा बहुत अच्छे से हो गया है। मैं फटाफट से इसकी गोल गोल लोई बना लूँगी अच्छे से। तो ये मैं इस तरीके से कुछ बना रही हूँ, दरारें नहीं दिखनी चाहिए, एकदम चिकनी चिकनी बननी चाहिए ताकि हमारी गुलाब जामुन तलने में फूटे ना। तो चलो हम फिर पूरी बना लेते हैं इसकी फटाफट से। ये मैंने यहाँ पे ये तैयार कर लिए अपने गोल गोल गुलाब जामुन, देखिए बिना दरार के मैंने बहुत अच्छे से इसे बना लिए। ये मैंने ये गंजी ले ली है, अब मैं इसको रख देती हूँ यहाँ गैस पे। ये यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, अच्छे से इसे गर्म होने दूंगी और उसके बाद फिर मैं डालूँगी ये फटाफट से जो मैंने अच्छे से गुलाब जामुन बना के रेडी किए। तो इसे मैं इसमें तल लूँगी अच्छे से और हमारी चाशनी तो बन के रेडी है, हम फटाफट से इसे तलेंगे और फिर हम इस चाशनी में इसे डाल देंगे। तो ये मेरी चाशनी जो अच्छे से हो गई है, बहुत अच्छे से हो गई है ये। तो गाइस ये मेरा हो रहा है यहाँ पे तेल गरम और ये मेरे गुलाब जामुन यहाँ रखी हुई है, अभी फटाफट से गरम हो जाए तेल तो मैं इसमें फटाफट से डाल के तलूँ और फटाफट बना के फ्री होके फटाफट से खाऊँ, बहुत इच्छा हो रही है खाने की। कब तेल गरम होगा, कब मैं इसे तलूँगी और कब खाऊँगी, हम लोग वेट करते फिर थोड़ी देर, फिर देखते हैं कैसे इसे तलूँ मैं और फटाफट से खाऊँ। तो गाइस यहाँ पर मेरा ये तेल गरम हो चुका है अच्छे से, अब मैं यहाँ पे डालती हूँ गुलाब जामुन को। आउ चटका लगा, हम इसे एकदम मध्य आंच में तलेंगे ताकि ये जले ना। आउ ओह
माय गॉड, तेल ज़्यादा गर्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे मेरी गुलाब जामुन जो है वो जलती हुई दिख रही है मुझे। बड़ी अच्छी दिख रही है मेरी गुलाब जामुन। मैं इसे निकाल के और गर्मा गर्म चाशनी में डालूंगी। ये मैंने डाल दी यहाँ चाशनी में। वाह, मस्त बन रही है। ऐसे ही मुझे पूरी गुलाब जामुन बनानी है। मुझे आती नहीं है बनानी, पर मैंने बना ली है। तो गाइस, ये मेरी बन चुकी है यहाँ पे गुलाब जामुन। बहुत अच्छी दिख रही है बनी हुई। तो अब पता नहीं खाने में कैसी लगेगी, तो मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी गुलाब जामुन बनी कैसी है। तो गाइस, बस आज मैं वीडियो बस यहीं एंड करती हूँ। सो आप लोगों को बताऊंगी मैं कि मेरी गुलाब जामुन बनी कैसी थी। मैं खा के टेस्ट करके और अच्छे से फिर बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा था। सो बाय बाय। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे न्यू व्लॉग फटाफट से दिखाते रहूँ। सो बाय बाय।